और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का 10 का एजेंडा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कृतिका। हापुड़ से सुख की बड़ी खबर, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग से बॉयलर में ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से फैक्ट्री की छत उड़ गई, भरभराकर केमिकल फैक्ट्री की बिल्डिंग गिर गई है, धराशायी हो गई है। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां इस वक्त वहां पर मौजूद है, जो की आग बुझाने की कोशिश कर रही है। हापुड़ के भीरखेड़ा में ये केमिकल फैक्ट्री है, जहां पर ये हादसा हुआ है। तो भरभराकर गिरी है केमिकल फैक्ट्री की ये बिल्डिंग, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हापुड़ से। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, जो लगातार आग बुझाने का प्रयास इस वक्त वहां पर कर रही हैं। हापुड़ के धीरखेड़ा में केमिकल की ये फैक्ट्री है, जहां पर आग लगी है। तो केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से वहां पर हड़कंप मच गया है, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आग से बॉयलर में ब्लास्ट हुआ, जिससे फैक्ट्री की छत उड़ गई और केमिकल फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है वो भरभराकर वहां पर गिर गई, इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हापुड़ से दमकल की भी आधा दर्जन गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, जो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये तस्वीरें देखिए कितनी भयावह ये तस्वीरें, और आग ने किस तरीके से तांडव मचाया है हापुड़ में, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि पुलिस भी वहां पर मौजूद है। जो आग लगी, उस आग से बॉयलर में ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से जो केमिकल फैक्ट्री की जो छत है वो भी उड़ गई। ये तस्वीरें आपको दिखा दे सकते हैं हापुड़ की, और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी भयावह थी। फिलहाल दमकल की कई गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, जो लगातार इस भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि इस आग लगने के पीछे कारण क्या है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। फिलहाल इस भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश दमकल विभाग कर रहा है। दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद हैं। देखिए, धीरखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रांस एमोनिया फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्री है, और इसमें बताया जाता है कि सॉल्वेंट में आग लग गई है, और इसमें 5 गाड़ियां इस समय यहाँ काम कर रही हैं, और शीघ्र ही हम आग पे काबू पा लेंगे। कितने थानों की फोर्स यहाँ पर पहुंची है? देखिए, यहाँ मेरठ के जो थाना लगता है उसकी फोर्स पहुंची है, और एडज्वाइनिंग जो मेरठ के अलावा एडज्वाइनिंग जो हमारे हापुड़ के थाने हैं, कोतवाली नगर, कोतवाली देहात, उनकी भी फोर्स यहाँ पहुंची है। क्षेत्र अधिकारी पहुंचे हैं और हम लोग मशक्कत कर रहे हैं यहाँ पर, और शीघ्र ही आग पे काबू पाएंगे। सर, कोई जानहानि की आशंका? अभी तक कोई ऐसी जनहानि की किसने कभी नहीं है, और ना कोई ऐसी। सर, कितने फायर वेंडर पहुंचे हैं? देखिए, 5 फायर वेंडर, जैसा मैंने पहले ही बताया, काम कर रहे हैं अभी, और एक को अभी और रास्ते। तो हापुड़ के धीरखेड़ा में ये केमिकल की फैक्ट्री है, जहां पर अचानक से आग लगी और इस आग ने देखते ही देखते भयावह रूप ले लिया। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। ताहिर, क्या कुछ ताजा अपडेट है? जो ये आग लगी केमिकल फैक्ट्री में, इस आग के पीछे कारण अभी तक क्या पता लग पाया है? हाँ जी, आपको बताना चाहूंगा, धीरखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जो कि हापुड़ मेरठ बॉर्डर में लगता है, वहां अचानक भीषण आग लगी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, और हापुड़ मेरठ सहित गाजियाबाद की भी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची। करीब 8 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। हालांकि जो बता फैक्ट्री मालिक का साफ तौर पर कहना है कि वो फैक्ट्री बंद करके हापुड़ आ गए थे, उसके बाद अचानक ही आग लगी है। आग का कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं है कि आग क्यों लगी है। हालांकि जो पुलिस है वो मामले की जांच कर रही है, और जांच के बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। ताहिर, जिस तरीके से आग की बात कही जा रही है, आग आखिर कितने बजे लगी है? क्या उस वक्त फैक्ट्री में कोई व्यक्ति मौजूद था, कोई मजदूर मौजूद था? जी, आपको बताना चाहूंगा, देर रात का ही मामला था। जो फैक्ट्री मालिक है वो फैक्ट्री बंद करके अपने घर जा चुके थे। लोगों ने अचानक उन्हें बताया कि आपकी फैक्ट्री में आग लगी है, जिसको लेकर वो वहां पहुंचे, तो आग ने भव्य रूप ले रखा था, और देखते ही देखते आग विकराल हो गई, और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। हालांकि वहां जो रखे ड्रम थे, केमिकल के ड्रम थे, वो लगातार फट रहे थे, तो जिससे दहशत का माहौल बना हुआ था। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए ताहिर।